हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। यह हमारा शॉर्ट नंबर 29 है और यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो एनएचएम के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, जैसे कि सीएचओ का एग्जाम्स होता है, एएनएम का होता है, जेएनएम के एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, या एमपीएसडब्ल्यू के एग्जाम्स होते हैं, बीएफयूएसएस, एम्स, पीजीआई के जो एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पिछली परीक्षाओं में, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स हों और वो चाहे वैकेंसी के लिए एग्जाम्स हों। ठीक है, जैसे लिखा है, ऑल स्टेट के सीएचओ एग्जाम्स के लिए, एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स, बीएफयूएचएस, एमपीएसडब्ल्यू, बिहार सीएचओ, बिहार एनएचएम, उत्तर प्रदेश सीएचओ, उत्तर प्रदेश एनएचएम, एमपी, मध्य प्रदेश सीएचओ, मध्य प्रदेश एनएचएम, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, सभी के लिए। ओके, अगर आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हमारे लिए नहीं है, ये एएनएम के लिए नहीं है, ये तो सीएचओ के लिए, नहीं भाई, आप गलत सोचते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं किसी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगभग लगभग सिलेबस सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए और आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ें फिर आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर आया करें आंसर तो जरूर बताया करें आंसर, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओरल कैंसर के लिए तंबाकू कितने प्रतिशत जिम्मेदार है? टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरल कैंसर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लग रहा हो आप बता सकते हैं, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओरल कैंसर के लिए मतलब मुंह वाला कैंसर, मुख कैंसर के लिए तंबाकू कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 80 से 90 प्रतिशत, कितना, 80 से 90% तक ओरल कैंसर के लिए तंबाकू जिम्मेदार है। अब एक बात समझे, यहाँ पर तो मान लो कि हमने रेंज के रूप में डाटा ले लिया 80 से 90 प्रतिशत, अगर हो सकता है आपको एग्जाम्स में इस तरह मिल जाए 90 प्रतिशत, तो हाँ भाई 90 प्रतिशत की 90% जो कैंसर होते हैं ना ओरल वाले, वो तंबाकू की वजह से होते हैं 90 प्रतिशत, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 80 से 90 प्रतिशत। लेकिन कभी सिंगल आंसर मिल जाए तो आपको 90% मार्क करना है आंसर एग्जाम्स में। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जल्दी से फिर आंसर बताएं। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल इस सीन, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें जो भी आंसर आपको लग रहा हो। राइस वाटर जो स्टूल देखने को मिलता है ना, वो मिलता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कॉलरा में, किसमें, हैजा, अगर हिंदी में मिल जाए तो हैजा मार्क करना, बाकी कॉलरा देख लेना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है हैजा में देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि यहाँ पर हम क्विक रिविजन्स करते हैं, डिटेल्स वीडियो हमारे बनते रहते हैं दूसरे, ठीक है, वो टेस्ट के रूप में आते हैं, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो होते हैं। पोलियो निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है, वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, हो सकता है क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं लेकिन ये आपके रिविजन्स के लिए भी हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपका रिविजन्स भी यहां से होता रहता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4, पढ़ें फिर आंसर बताएं। निम्न में से दूषित जल के माध्यम से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है दूषित जल, ठीक है, दूषित जल के माध्यम या दूषित जल का सेवन करने से कौन सी बीमारी फैल सकती है, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पोलियो, पोलियो डिसीजेज दूषित जल के सेवन करने से फैलती है, या यूं कहें कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम्स में कि वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है, कौन सी, वाटर बॉर्न डिसीज, इसका मतलब होता है जल जनित बीमारी, हिंदी में कहते हैं जल जनित बीमारी, या इंग्लिश में लिखा जाता है वाटर बॉर्न डिसीजेज, तो आपको ध्यान रखना है ये पोलियो, कौन सी डिसीज है, पोलियो। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, कॉलरा वगैरह भी होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में डी है, इसलिए हम ऑप्शन डी इसको समझेंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर, पढ़ें फिर आंसर बताएं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिया है, देख लें। क्वारंटाइन पीरियड होता है, क्वारंटाइन पीरियड इज, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा पीरियड होता है, कैसा होता है, ऑप्शन पढ़ें फिर बताएं आंसर, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो, क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, ये क्वारंटाइन पीरियड होता है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम समझा देते हैं आपको मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हिंदी में समझ लें, जैसे कि कोई भी बीमारी है, मान कोई भी बीमारी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको कहेंगे मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब अधिकतम, ये वाला टाइमिंग मिनिमम है और इसको मैक्सिमम कहते हैं, 1 से 14 दिन के अंतर्गत किसी भी बीमारी के लक्षण आ जाएंगे तो उसको कहेंगे कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड,
मतलब क्वारंटाइन में रखा गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना से ही हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोरोना एक बीमारी है और इसके लक्षण वैज्ञानिकों ने बताया, डॉक्टरों ने बताया कि 1 से 14 दिन के अंतर्गत इसके लक्षण आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 से 14 दिन के अंदर ही आ जाते हैं लक्षण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अगर क्वारंटाइन करेंगे तो इसका मतलब उसे हम 1 से 14 दिन मतलब 14 दिन तक करेंगे। तो ये मैक्सिमम पीरियड है। कैसा पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड है, मतलब 1 से 14 दिन के अंदर अंदर। हो सकता है दूसरे दिन मिल जाए, तीसरे दिन मिल जाए लक्षण उसके, सिप्टम 5वें दिन 10वें दिन भी मिल सकते हैं, मतलब 14 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। तो इसी को कहेंगे मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है, मतलब जितने दिन में उसके लक्षण उभर आते हैं, ठीक है, जितने दिन में लक्षण उसके उभर आते हैं उस बीमारी के, तो उसको कहेंगे कि हाँ ये इसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है। ये क्वारंटाइन के लिए उपयुक्त होगा। क्वारंटाइन में सभी को क्या किया जा रहा था, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जा रहा था, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत में कोरोना बीमारी आई थी तो लोगों को पता चला था कि इसके लक्षण 1 से 5 दिन में उभर आते हैं, तो तब लोगों को केवल 7 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा था। कितने, 7 दिन का। फिर क्या हुआ था, लोगों को 10 दिन बढ़ाया गया, फिर 14 दिन कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 14 दिन का क्वारंटाइन किया गया था इसमें कोरोना में। उनको पता चल गया था इसके लक्षण जो हैं 1 से 14 दिन तक आ सकते हैं, तो मतलब मैक्सिमम पीरियड तक, मैक्सिमम पीरियड कितना था, 14 दिन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सब इसका राइट आंसर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर्स। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। ओके, बाय, टेक केयर्स।